नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल साइनी थ्रेड्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बॉक्स प्लीटेड कुर्ता डिजाइन। इसकी पूरे डिटेल को कवर करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। पहले हम कपड़े को खोल के बिछा लेंगे और उसमें से अपर पार्ट के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। ये मैंने अपर पार्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। इसको लंबाई में मैंने 15.5 इंच और चौड़ाई में इसे 11.5 इंच कट कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर स्लोप छोड़ के आर्म होल को भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। और इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। फुल बस्ट का 4th भाग करके 2+ मार्जिन का ऐड करेंगे और निशान लगा देंगे। वेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। वेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग करके 2+ मार्जिन का ऐड करेंगे और निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे गोलाई का शेप देना है, तो हम 1 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे और इसे कर्व का शेप दे देंगे। यहाँ पर हम आर्म राउंड का शेप दे देंगे। अब हम आगे के आर्म राउंड को ड्रॉ करेंगे। और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के आर्म राउंड की भी कटिंग कर लेंगे। तो हम बैक पार्ट को निकाल देंगे और आर्म राउंड को कट कर लेंगे। मुझे इस कुर्ती में हाफ में इनर लगाना है, तो अब हम इनर की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को मैंने इनर के कपड़े पर इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसे इसी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। इसे ड्रॉ करने के बाद हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम आगे के आर्म राउंड को ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट को निकाल देंगे और आगे के आर्म राउंड को भी हम कट कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई 16.5 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। अब हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और स्लीव कैप को ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव बॉटम पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब हम इनर को दोनों पार्ट से अटैच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ और अटैच कर लेंगे इनर को। बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाकर इनर को अटैच कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगाकर इनर को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में बैक नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी लंबाई हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों को हम राउंड शेप में जोड़ लेंगे।
और नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में नेक को तैयार कर लेंगे। ये मैंने बुकरम से नेक तैयार कर लिया है। नेक को इस पर रख के स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से बैक नेक पर भी नेक स्ट्रिप को लगाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने बैक नेक को तैयार कर लिया है और फ्रंट नेक को भी स्टिच करके तैयार कर लिया है। ये मैंने कुर्ती को हेवी लुक देने के लिए गोल्डन टिक्की को लगा दिया है। अब हम नेक पर लेस को लगाकर अटैच करेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। दोनों पार्ट में नेक तैयार करने के बाद शोल्डर लाइन से दोनों पार्ट को हम जोड़ लेंगे। ये मैंने शोल्डर लाइन को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव लगाएंगे। ये स्लीव को मैंने लेस लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव को कुर्ती के साथ इस तरह से घुमाते जाएंगे और दोनों आर्म राउंड को जोड़ लेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हम इस कपड़े से स्कर्ट को तैयार करेंगे। स्कर्ट को वॉल्यूम देने के लिए मैंने इसकी चौड़ाई ज्यादा रखी है जिससे ये घेरदार बने। कपड़े पर इस तरह से आमने सामने प्लीट बनाएंगे और स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमें सारी प्लेट को बना लेना है। देखिए, हमें इस तरह से एक साइड प्लीट नहीं बनानी है, दो दो प्लीट हमें आमने सामने ही बनानी है जिससे बॉक्स जैसा तैयार होगा। सारी प्लीट को इसी तरह से हम तैयार करेंगे, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। ये मैंने प्लीट बना के स्कर्ट के दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम स्कर्ट के दोनों पार्ट को अपर पार्ट के साथ जोड़ लेंगे। ये मैंने डोरी तैयार कर ली है कुर्ती के साथ अटैच करने के लिए। डोरी को हम इस तरह से रखेंगे और अपर पार्ट के साथ इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। अब हम कुर्ती के साइड बंद करेंगे। स्लीव से लेके नीचे बॉटम तक फिटिंग के हिसाब से हम सिलाई लगा देंगे। और नीचे बॉटम में भी हम टू फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये मैंने बॉक्स प्लीटेड कुर्ती को तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you for watching my video.